चले फंक्शन, पहला फंक्शन बाल पक्की का हुआ, इसमें अंगूठी वाला अपनाएगी, मिठाई वगैरह खाएगी, दूसरा फंक्शन मेहंदी का हुआ, तीसरा फंक्शन हुआ बरात का। नफरत जो होती है वो जुर्म से होती है, इंसानों से नहीं होती है। और दूरी करेंगे आप, क्या दो आपके सामने बात मान ले, अभी आपके सामने मानेगा आप यहाँ जाएंगे, पीछे आपको गालियाँ दे रहा होगा। वो लोग बनाएंगे जो इस चीज़ में फाल करते हैं, जिनकी शादी हो रही है, जब जो शादी शुदा कपल से वो बनाएंगे एक डे। अब सख्त यूज़ करेंगे, जब आप किसी को मजे देंगे तो फिर वो तो लेगा ना, वो तो कहेगा जो वो तो चाहते ही है। अदाब आज़ा जी, मैं उम्मीद हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आ गए हैं जी हम एक नए वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ सबके रोजे पीछे गुजर रहे होंगे और आप रख भी रहे होंगे। तो विगत मैंने किसी और टॉपिक पर थी बनानी, मेरा था एक मार्केटिंग पर थी बनानी मैंने वीडियो, लेकिन एक इशू मेरे सामने से गुजरा तो मैंने समझा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख्याल आपसे शेयर करूँ, आपकी जो ख्याल हैं वो आप मेरे शेयर करें, ताकि इससे इंसान की नॉलेज में इजाफा होता है, इंसान का दिमाग जो है मजीद एक वाइड रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं जी जो कल हम बात करने लगे जी। लम्स में एक फेक शादी का इवेंट अरेंज किया गया, अब मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। पहले पूरा देखें जी, फरवरी के मैंने देखा है, फरवरी के दूसरे संडे को गालबन ये दुनिया में इंटरनेशनल शादी डे मनाया जाता है। उस डे को मनाने के लिए जो हमारे बच्चे हैं जी लैम्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फैसला किया कि हम भी ये मनाएंगे। अभी मैं खुद से इंतजार क्योंकि अब वो बच्चे खुद टैंक चला रहे थे, ये मैंने आज 28 मार्च है गालबा, मैंने 26-25 मार्च को मैं ट्विटर यूज़ करा था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लम्स टैंक चला रहा है, तो मुझे दिल के साथ समझ आ गई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी को अच्छी तो नहीं है कि जो है ना हम कुछ किसी बच्चे ने कुछ कर दिया होगा, कुछ ईजाद कर दी होगी तो वो चला होगा टैंक पर, बचा पता कोई नया इशू आएगा, इसमें पिछले से कॉम सेक्टर आ गया था, बचा पता कोई इशू आएगा, तो फिर इशू था ये था वो बच्चे खुद ही टैंक चला रहे थे। ठीक है, जब ये यूनिवर्सिटियाँ सारी पैसे कमा रही हैं, ये पैसे कमाने की मशीनें समझाए बच्चों को, तो बस फिर कभी कलर के अरेंज करते हैं, इस तरह की इवेंट्स अरेंज करते रहते हैं। तो इन्होंने शादी का अरेंज किया, बच्चों ने क्या किया, दो बच्चों को सेलेक्ट किया इलेक्शन वगैरह, ये एक बच्चे ने सारी स्टोरी सुनाई थी ट्विटर पर, जो वहाँ का लड़का है, उसने कहा पे जी दो बच्चों को सेलेक्ट किया गया, एक बॉय उसका नाम है तैमूर, एक गर्ल है उसका नाम है मानूर, इन दोनों को सेलेक्ट किया गया। फिर इनका पूरा शादी का फंक्शन सब हुआ, सब कुछ फेक, तो इनका अरेंज किया गया, पहला फंक्शन 3 दिन चले फंक्शन, पहला फंक्शन बाल पक्की का हुआ, इसमें अंगूठी वगैरह अपनाएगी, मिठाई वगैरह खाएगी, दूसरा फंक्शन मेहंदी का हुआ, तीसरा फंक्शन हुआ बरात का, प्रॉपर बरात हुई 5x बीच में देखेंगे। ठीक है जी, अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा बैकग्राउंड, अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके लिए मैंने नई वीडियो था। मैं पहले बता दूँ आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं, मैंने नीचे कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, आपको इख्तलाफ आप जाए नीचे अपना इख्तलाफ जो है ना, जो भी आपको लगता है कि यार ये पार्ट ठीक नहीं है, गलत है, आप नीचे जाके कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए खोला है, गली यूज करेंगे, आप अपनी तरबियत शो करेंगे, बाकी अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो नीचे आता है, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा, अगर आप ठीक हो तो हम आपकी बात मानेंगे, अगर हम ठीक हो तो इस तरह चलते हैं दुनिया में, किसी की मान के कुछ अपनी मनवा के। ठीक है जी, अब आते हैं जी मैं अपने पॉइंट बयान करने से पहले एक दो बातें कर दूँ। देखिए, मैं ये मानना है वो थाना के वाले खाते हैं कि नफरत जो होती है ना वो जुर्म से होती है, इंसानों से नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS के नाम से, तो उसमें ये लेसन था कि जो मरीज़ होते हैं उनको प्यार से किया जाता है ट्रीट, उनका इलाज प्यार से किया जाता है। मैं किसी को मरीज़ नहीं कहा, लेकिन मैं इससे उसको तशवीश दे रहा हूँ कि अगर आप में किसी को तबलीग भी करनी है तो मेरा पॉइंट अभी ये है कि आप प्यार से करेंगे, डंडे से नहीं करेंगे, डंडे से भी करेंगे आप क्या दो आपके सामने बात मान ले, अभी आपके सामने मानेंगे आप यहाँ से जाएंगे, पीछे आपको गालियाँ दे रहा होगा वो। ठीक है, डंडे से जब जिन्होंने चाहे ना मनवाना, उनके लोगों ने आज तक नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी आज तक, जो चाहते हैं कि हम अपनी बात डंडे से मनवाएंगे। अब तीसरी बात क्या है, मैं पहले पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले बता दूँ कि मैं जो ना कोई सख्त मौलवी भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई जो ना बहुत आज़ाद ख्याल बंद हूँ। देखिए बेसिकली मैं किसी भी कौम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी कौम की हक में नहीं बोल रहा, सब जो ना आजकल दुनिया में जो हिपोक्रेसी है पीक पे है, सब जो ना वो मुनाफत करते हैं, अपने जो अपने ऐप को नहीं पाता, जो अपनी गलतियाँ थी उनको कोई हाईलाइट नहीं करता, दूसरों को इतनी इतनी बातों को लोग उछालते हैं। ठीक है, और लोग नहीं यहाँ पे तो मजमूरी तौर पर कौम उठाती हैं, मैं ही नहीं कह रहा मुसलमान सही है काफ़ी सही है, सब जो ना जो ये लंबी बहस है, मैं फिर कभी बहस करेंगे, लेकिन मेरे जमे ना जो मैं किसी मजहब को टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि सब मुनाफ़त करते हैं, अपने खिलाफ कोई नहीं बोलता, अपने लोगों के खिलाफ दूसरों के खिलाफ सारे बोलते हैं, इस पर फिर कभी बहस करेंगे अगर अभी की तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब चलते जी मैं पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। देखें सबसे पहले तो मेरा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक पाकिस्तान को एक लिबरल स्टेट बने, ठीक है जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ एक लिबरल स्टेट बने, हम ये 70 साल हो गए कि साइड नहीं कर पाए कि लिबरल स्टेट होगी, कि ये जो होगी
एक मजहबी स्टेट होगी। ठीक है, अब इससे ये मतलब ही नहीं है कि कलरिज्म सेकुलर होते। अब हम एक टाइम यूज़ किया लिबरल, लोग लिबरल और सेकुलर को मिक्स करते हैं। लिबरल होते हैं जो आज़ाद ख्याल होते हैं, जो अपनी रवायात को दुनिया के साथ लेकर चलते हैं, तरक्की भी करते हैं लेकिन अपनी रवायात को नहीं छोड़ते। और एक जो होते हैं सेकुलर होते हैं, लादीन नहीं, वो एथिस्ट होते हैं, वो दीन को मानते ही नहीं है, वो एक डिफरेंट टर्म है। मैं लिबरल की बात करूँ, ठीक है, तो अब लिबरल की बात करें तो कलरिज्म चाहते थे स्टेट को, चाहते थे कि लिबरल स्टेट, एक आज़ाद ख्याल स्टेट। अब कलरिज्म के इसमें काफ़ी मजीद मुख्तलिफ यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद ख्याल जाते थे, ऐसा भी नहीं है, वो एक मजहबी स्टेट जाते थे, उसके आगे काफ़ी बयान है, इस पर फिर बहस हो सकती है। लेकिन उनसे उनकी बात हट के देखें तो अभी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मेजर पॉइंट वो ये है कि पाकिस्तान एक लिबरल स्टेट हो। लिबरल स्टेट में जो लिबरल स्टेट होती है वो इंश्योर करती है कि तमाम के हकूक, तमाम जो कौम है उनके हकूक जो है ना उसकी प्रोटेक्शन करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अब जो हुकूमत है, जो मुल्क है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की तहफ़ करेगी। अब एक जो आइडियोलॉजी है जो उस मुल्क में है उसका तहफ़ करना भी जो है ना एक जो मुल्क है उसका जिम्मा है, उसकी हुकूमत है, उसकी उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अब हिफाजत करना का क्या होता है कि कोई भी जो आइडियोलॉजी है उसकी कोई तोहीन ना करे, कोई भी आइडियोलॉजी है, मुस्लिम है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जूज़म है, हत्ता कि वो भी है, तो उसकी भी कोई तोहीन ना करे। ठीक है, अब तोहीन क्या है, किस सेंस में क्या है तोहीन, पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। देखें, अब एक बंदा है वो कहता है मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, वो जाता है इंडिया, वो इंडिया जाए कहता है जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, इसने इंडिया पर हमले किए हैं, इसने इंडिया को इंडिया की पीक में छुआ था 1999 में, वो ये ऐसी बातें करे, वो कहे जी पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई है, ऐसी बातें करे तो पाकिस्तान की वजारत खारजा क्या बयान देगी कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हम इसको ओन नहीं करते, हम इसको डिसऑन करते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, पूरी पाकिस्तानी कौन कहेगी, गद्दार है, हम उसको डिसऑन करेंगे, हम कहेंगे पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है, तो अब जब एक बंदा खुद को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, आप मुसलमान है, फिर आप पे वो बाउंड्रीज, आप पे वो रूल्स अप्लाई होंगे जो इस्लाम में, ठीक है, ये एक लिबरल स्टेट में भी होगा। अगर आप क्रिश्चियन है तो आप पे रूल्स अप्लाई होंगे, आपको ये इजाजत दी जाएगी, आप क्रिश्चियन है, आप सयाम कहें तो मैं तो मानते ही नहीं हूँ जस्टिस को, आप या फिर उनके खिलाफ कोई गलत बात करें, आप ईसा के बारे में गलत बात करें और आप कहेंगे मैं ईसाई हूँ, ऐसे तो आपको ये काम करने की इजाज़त आपको नहीं होगी। इसी तरह अगर मुस्लिम है और वो काम करते हैं जो इस्लाम में जिसकी इजाज़त नहीं है वो करेंगे, तो फिर जिन लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं रियासत उनके भी ख्याल रखेगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, वहाँ पर वो लोग गलत पे नहीं, वो तो बात ठीक आ रहे हैं। अब जो कट्टे मौलवी हैं वो तो इस लिहाज तो बात ठीक आ रहे हैं कि अब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो माइफे में गेस्ट इसमें जो हो रहा है ये कि इसको कोई भी कुरान हदीस से सही साबित नहीं कर सकता, तो ये कर गर्ल जी लोग कह रहे हैं मुसलमान हैं, तो आप तो एक तोहिन कर रहे हैं गर्ल जी की, आप उसको कह रहे हैं मुसलमान हैं और साथ आप ये काम कर रहे हैं, तो ये कहीं जायज़ नहीं। तो इस तरह आप एक आइडियोलॉजी की तोहिन का बायस मान रहे, तो ये किसी सूरत जो है ना मेरी नज़र में जायज़ नहीं होनी चाहिए। और ये जो मैं पूरी तमीज बांधी है इसी सेंस में बांधी है कि जो उन्होंने किया है ये, अब वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं हम मुसलमान हैं, तो ये हमारा अल्लाह का मामला है, आपका अल्लाह का मामला नहीं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाली, जिसका मतलब है हम अपने आप को अल्लाह के संग करते हैं, हम अल्लाह की सब बात मानेंगे, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि अल्लाह हम तेज हो कोई महबूद नहीं हो, तेरे नबी जो है मैं उनको रसूल मानती हूँ, तो ये मानता हूँ, तो आप उनके अगर संग करते हो, आप उनके रूल्स के अंदर आते हैं, फिर आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, सबको पता है कि क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं तो एक आइन में बनना चाहिए कि ये रूल्स हैं, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो इसका तोहिन का बायस बनेगा सरगर्जी की। और फिर हाँ, अगर आप उस सरगर्जी को नहीं मानते, आप ना कहें मुसलमान हो, आप कहें मैं मुसलमान नहीं, फिर आप जो मर्जी काम करना चाहिए आपको इजाज़त होगी। हाँ, जो बाकी लोग हैं उनको इजाज़त होगी कि अब आपको तबलीग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उनको इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर आप कहें मैं मुसलमान हूँ और यहाँ पे आप उल्टे सीधे काम करें जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, फिर तो उन लोगों की बात ठीक है जो कहते हैं कि ये तोहिन का बायस मानें। तो एक पॉइंट और भी ये है कि जो आप फेक शादी करें, बेशक आपने निकाह नहीं किया लेकिन फिर भी हदीस में आता है आपको त्याग कहनी चाहिए, सुनन इब्ने माजा में आता है, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सुनन इब्ने माजा में आता है 2309 नंबर हदीस है कि तीन चीज़ें मजाक में भी जो है ना हकीकत में भी हकीकत है और मजाक में भी हकीकत है, निकाह, तलाक और रुजू, ये मजाक में चीज़ें हो जाती हैं, आप इस चीज़ को मजाक लेना ही चाहिए, इतनी ये जो होती है इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप इसको मजाक ले रहे हैं, तो ये भी एक आइडियोलॉजी की जो है उसकी तजीक का बायस बनता है। तो आइडियोलॉजी होती है उसकी जो तहफ़ का जिम्मा एक रियासत का है, ठीक है, वो रियासत इंश्योर करेगी कि किसी भी जो आइडियोलॉजी है जो किसी भी नज़रिए की तोहीन ना हो हमारे वहाँ पे हमारी रियासत में। ठीक है जी, ठीक है, पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा मैं ये है कि देखें जो गेज होते हैं, इंटरनेशनल गेज है, जो भी इस्लामोफोबिया गए, ये वो लोग मनाते हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इस्लामोफोबिया गए हिंदू नहीं मनाएंगे क्योंकि वो मुसलमानों का डे है, ठीक है, अब जो वुमेन डे है वो मर्द नहीं जाकर मनाना शुरू कर देंगे, हम जी हमें वुमेन बनने का शौक है। इससे जो मुख्तलिफ गेज होते हैं वो जो कैटेगरी में लोग फॉल करते हैं वो लोग मनाते हैं। ठीक है, अब इस तरह तो फिर आप ये मना रहे हैं, आप मैच्योर बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी के, अब आप ये डेज मना रहे हैं शादी के, वो लोग मनाएंगे जो इस चीज़ में फॉल करते हैं, जिनकी शादी हो रही है, जब जो शादी शुदा कपल से वो मनाएंगे एक डे,
जो ग्रह से शादी के रखा गया, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, आप लोगों के जल्दी भरी हुई। अगर आपको इतनी ये अगर आपको इतना शौक चाहिए गेम्स बनाने का, इसमें फिर आपका लेस्बियन गेम ना रहे होंगे, गेस गेम ना रहे होंगे, आपका आपका एलजीबीटी गेम ना रहे होंगे, 8 अक्टूबर को लेस्बियन गेम है वो बना रहे होंगे, 1-2 जून का भी होता है, आप फिर वो बना रहे होंगे, आप कहेंगे मैं उनको कोई नहीं कुछ नहीं कह रहा, आप क्या आप उनसे भी कह रहे होंगे कि हम इनसे एक जाति कर रहे हैं तो हमने 2 बच्चों को कमरे में बंद कर दिए, कोई नहीं हमने सेफ्टी यूज की थी। तू समझा? हाँ। नहीं आप फिर अभी कह रहे होंगे इस तरह होता है, वो गेम्स वो लोग बनाते हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो जिनके लिए वो गेम बनाए जाते हैं वो लोग बनाते हैं अभी, ठीक है। अच्छा अब एक तीसरा जो मेरा इसमें पॉइंट है वो ये है, जो मेरा पॉइंट है वो मैं तीसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि एक मैं गादमा कोई लड़की थी, मेरे ख्याल से वो यूनिवर्सिटी की थी या फिर कोई बार की थी, मुझे सही पता नहीं है, ट्विटर पर लिखा था उस वीडियो को नीचे डाल के कि मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम बचपन में थे ना खेलते गुड्डा गुड्डी से, मुझे ऐसा फील हो रहा है उनकी शादी करते थे। नहीं आप यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, मैच्योर बच्चे, यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, होनी भी चाहिए, आप मैच्योर बच्चे, मैच्योर क्या होता है, मैच्योर बच्चा उसको पता होता है कि मैं गलत चीज़ क्या सही चीज़ के, आप मैच्योर आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, आपको इससे कोई रोकता भी नहीं यूनिवर्सिटी में, और ऐसी बातें करना कि ऐसे वैसे गुड्डे को गिरी शादी हो रही, ये बातें करना आपको सूट करता है किसी मैच्योर बंदे को? आप आपको भावे ये लगा हो कि आप जो है ना गुड्डियाँ बनी हैं, लेकिन जो गुड्डे बने हैं साथ उनकी जो जाए मचा रहे हो आप सोच भी नहीं सकते। कंट्रोल ठीक है ना, अगर आप जो जिनको आप समझ रहे हैं गुड्डे, अगर आप उन गुड्डों की जो टॉक्स होती हैं व्हाट्सएप में जो ग्रुप में चैट्स होती हैं वो देख लें, जो उनकी आपस में बातें होती हैं, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है आपके बारे में वो देख लें आप, तो आप आपके उत्साह खत्म हो जाए, आपने इनको मजाक समझा हुआ, आपके लिए तो वो आप मजाक होता है, वो जैसे अपनी ठग पूरी कर होती है, ये ऐसा लड़का होते हुए ऐसा मेल होते हुए मैं बता दूँ आपको, और ये इसमें ये नहीं है कि उनकी उनकी गलती है, हाँ कुछ मर्द होते हैं जो अपने आप को गलती है कि वो कंट्रोल ना करे, और एक कमज़ोर मर्द होने की निशानी है कि वो और पे झपटे या फिर उस पर वार करे, इस तरह रेपस्ट करते हैं, ठीक है, गलती ये नहीं कि गलत मर्द की फितरत ऐसी नहीं कि वो अट्रैक्ट होता है, अब उसको कहना कि गुड्डा कोई शादी का खेल है, तो फिर अगर आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगी तो अगर आप उसको भी तरफ अट्रैक्ट करेंगी या फिर आप उसके जाएंगी तो फिर वो तो कहेगा हाँ आ जाओ, फिर वो तो चाहती हैं कि आप आएँ, ठीक है, तो वो तो फिर जब आप किसी को लुत्फ देंगी, अब मैं अब सख्त का यूज़ करें, जब आप किसी को मजे देंगी तो फिर वो तो लेगा ना, वो तो कहेगा जो वो तो चाहते ही है, तो अभी तक ये एक अलमिया है कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए कि आप अभी तक बच्चे मच्योर नहीं कर पाए, तो आप बाकी काम छोड़े, पहले आप बच्चों को सिखाएं कि सही गलत के, और मेरा चौथा पॉइंट जो है ना वो यही है कि बच्चों को मच्योर होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने अपनी इज्जत जान माल की हिफाजत कैसे करनी होती है, उनको पता होना चाहिए कि हम दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है, गुड्डा गुड्डिया खेलिए ये आप उसको खेल समझते हैं, आपके साथ आप किसी के साथ नाव जोड़ रही हैं, वहाँ पे लड़कों ने ऐसे नारे भी लगाए हैं विगज में, अगर आपको विगज लेने का शौक है, मुझे पता है काफ़ी जो हमारी कॉम है इसको चस्के लेने का शौक है, आप जाके देख सकते हैं ट्विटर पर, तो उन्होंने पापा नारे लगाए हैं उस लड़के का नाम यूज़ किया गया, अब जो फ्यूचर में उसका लाइफ पार्टनर होगा उसके जहन में कभी ये बात नहीं आएगी यार इसने ये काम किया था, कभी ना कभी तो आती है, देखें अभी आप इस उम्र में आप हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन एक उम्र आती है, मेरा ये ईमान है कि कोई भी हक को जाने बगैर नहीं मरता, ठीक है, जिसको हक की तरफ होती है कि मैं जानूँ सही बात क्या गलत बात क्या, वो कभी भी सही बात जाने बगैर उसको अल्लाह सही बात दिखा के मारता है कि देख सही बात थी, वो उसको माने ना माने वो अलग बात है, ठीक है, चोर को पता होता है कि हाँ मैं चोर था, उसको पता होता है कि मैं चोरी की है, अब उसको माने ना माने उसको अलग बात है, ठीक है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि अपनी फैल कैसे करनी है, वो आप वही नहीं, अब अगर सब बैठा हुआ है आपको पता है उसने आपने किस तरह बात करनी है, खास कर जो फीमेल है उनके लिए है, जो खास कर जो लड़कियां आज दौर में वो तो लड़के तो चाहती ही हैं, लड़कियां ज़्यादा बराबर हुई हैं आज के दौर में, कि मैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उससे बता, ठीक है, तो आप उनके लिए उस चीज़ का बायस ना बने जो आपकी भी इज्जत की खराबी का बायस बने, वो तो चाहती हैं, उनके लिए कुछ नहीं होगा, उनके लिए तो माशरा इतना गंदा है, वो गलाजत भरी माशरे में हमारे जो सिर्फ औरत पे कीचड़ उछालता है और मर्द पे कुछ नहीं करता, वो तो माशरे इस पर फिर कभी बिगड़ जाएंगे कि जो हमारे माशरे की मुनाफ़त है ये भी एक मुनाफ़त है हमारे माशरे, ठीक है, मैं कभी इसको पढ़ने के ठीक नहीं करता, लेकिन औरत को पता होना चाहिए कि अपनी हिफाजत, औरत जो यूनिवर्सिटी की लड़की है वो एक मैच्योर औरत हो जाती है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि अपनी फायदा कैसे करनी है, और फिर ऐसे सयाम ये हम काम करना उसको एक मैच्योर बंदे को सूट नहीं करते, एक मैच्योर लड़का या फिर लड़की जो भी उसको इस काम से करना सूट नहीं करते, लड़के तो चले जाती ही है ना, उनकी तो फिर अलग से क्लास बनती है, ठीक है, लेकिन लड़की जाती है उसके लिए उनके लिए स्पेशल है, उनको पता होना चाहिए कि आप अपनी इज्जत की फायदा कैसे करनी है, कुछ सख्त लग मैंने बीच में यूज़ किए होंगे,
जिसको बुरे लगे उनके लिए माजरत। अगर कोई इख्तलाफ है किसी बात से मेरा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। और कुछ सख्त वक्त यूज़ इसलिए भी करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी कौम जो है इसके बारे में कहा जाता है कि डंडे ही कौम है, तो कुछ बातें इनको सख्त करनी पड़ती हैं कभी कभार, कुछ बातें इंसान को सख्त करनी पड़ती हैं कुछ झंझोड़ने के लिए ताकि वो उस बात को समझे जो हमको करना चाहती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई सख्त बात ज़्यादा सख्त बात निकल गई मुँह से तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो मकसद नहीं था कि मैं आपकी दिलदारी करूँ, अगर दिलदारी फिर भी होगी उसके लिए माजरत। मैं अल्लाह से दुआ है कि अगर कोई गलत जो ना माँ के नज़दीक है गलत हम गलत रस्ते में तो अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए हम सीधे रस्ते पर चलाएं। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, रोज़े लाजमी रखते नहीं, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। अगली वीडियो मेरी आ रही है मार्केटिंग में, वो लाजमी देखनी है आपने। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।